आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने इसका आर्टिकल किया था। आर्टिकल में हमने क्या निकाला था, एक्स इक्वल्स टू यू कोस अल्फा टी, वाई इक्वल्स टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो पाथ की इक्वेशन थी, वो क्या आई थी हमारे पास, वाई बराबर एक्स माइनस एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का था फॉर्मूला, टू यू साइन अल्फा बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाला था, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी। मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी यू स्क्वायर बाय जी। ग्रेटेस्ट हाइट निकाली थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी टू जी। और एंगल ऑफ ऐसे मतलब एक ही पार्टिकल के लिए, एक ही पार्टिकल को सेम इनिशियल वेलोसिटी वगैरह से जब फेंका जाता है सेम कंडीशन में, तो ऐसे कौन से एंगल हैं जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आए, वो क्या एक तो अल्फा और एक 90 माइनस अल्फा। कल आर्टिकल में क्या था, वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला, ये हमने कल फॉर्मूलाज पढ़े थे पहले लेक्चर में। आज जो हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू कोस अल्फा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यू साइन अल्फा वर्टिकल वेलोसिटी है, और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो हम एक इन फॉर्मूलाज का यूज करके आराम से जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एलिवेशन, मतलब अल्फा कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी यू कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, और देखो मीटर पर सेकेंड है मतलब कौन सी यूनिट हुई, एम के एस, और एम के एस यूनिट में जी किसके इक्वल होगा 9.8 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या होता है, सभी फॉर्मूलाज निकालने हैं इसके। तो पहला इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ क्या होगा, तो वो होगा एक्स टेन अल्फा, टेन सिक्सटी कितना होने वाला है रूट थ्री माइनस वन बाय टू, जी कितना होना है 9.8, एक्स स्क्वायर डिवाइड में यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, और कोस 60 कितना हो जाएगा, और फिर यहाँ पे होगा कोस स्क्वायर अल्फा यानी 1/2 का स्क्वायर। ये सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 10। नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कितना 2u स्क्वायर, u कितना है हमारे पास 14 का स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा तो 1/2 का स्क्वायर डिवाइड में z 9.8 याद है 10 मीटर। नेक्स्ट होगा ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर sin स्क्वायर, तो u स्क्वायर 14 का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा तो 60 डिग्री पे कितना होगा रूट 3/2 का स्क्वायर डिवाइड में कितना 2g 2 into 9.8। ये सॉल्व करेंगे तो 7/7 = 1/2। और हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर बाय 2g यानी 14 का स्क्वायर डिवाइड में 2 into 9.8, सोल्व करेंगे आपके पास आएगा 10 मीटर। हाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन अल्फा बाय g यानी 2 into u 14 into √3/2 डिवाइड में g कितना 9.8, सोल्व आप आसानी से कर लेंगे 10√3/7 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या आने वाला है यू स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर इंटू साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा यानी साइन कितना हो गया 120, साइन 120 मतलब साइन 180 माइनस 60 और साइन 60 रूट 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 9.8, आंसर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हमने मैक्सिमम फॉर्मूलाज निकाल दिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ये फॉर्मूलाज आपको याद होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शो दैट गिवन गन विल शूट 3 times एज हाई व्हेन एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज व्हेन एलिवेटेड एट 30 डिग्री। तो देखो पहले एच1 लेते हैं, वेलोसिटी तो उसकी इनिशियल सेम होगी यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर पहली बार वो एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री बाय में 2g, दूसरी बार में मान लेते हैं हाइट की, हाइट का रेंज फॉर्मूला कितना था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, h2 कितना आ रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब की बार कितना एंगल बोल रहे हो 30 डिग्री डिवाइड में 2g, तो अब देखना 3 times होगा, तो देख लेते हैं h1 h2 में क्या रिलेशन, तो h1 बाय h2 क्या आएगा, डिवाइड करेंगे u स्क्वायर से स्क्वायर का, साइन स्क्वायर 60 कितना होने वाला है रूट 3/2 उसका स्क्वायर डिवाइड में 2g कैंसिल है, साइन स्क्वायर 30 कितना होने वाला है 1/2 उसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाए रूट 3 का स्क्वायर यानी 3। तो देखो क्या आ रहा है h1 इक्वल्स टू 3 times ऑफ h2। सेकेंड क्या कहते हैं, बट विल कैरी द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें वैसे भी पता है अगर एक 60 डिग्री पे है दूसरा कितना पाई माइनस 60, दोनों पे क्या होगा
सेम रेंज, क्या होगी सेम रेंज। तो देख लो यानी 60 डिग्री और पाई 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 कितना होने वाला है 30 डिग्री, सेम रेंज होने वाली, चाहे आप पुट करके देख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैक्स, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी यू, तो इनिशियल वेलोसिटी यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा मान लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, हमें क्या दिया गया है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया और मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के हाफ के। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हमें देखने कौन सी है, अब देखो जब यहां से यहां तक आएगा तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और हॉरिजॉन्टल भी थी और वर्टिकल भी थी, तो हम क्या कर रहे हैं अब बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, इस पोजीशन में पहुंच गए। अब क्या है ना, ऊपर तो नहीं जा पा रहा, वो क्या जा रहा है सिर्फ नीचे की तरफ, मतलब उसके पास अब सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी ओनली, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर उसके पास अब भी वर्टिकल वेलोसिटी होती तो वो ऊपर जाता और भी, तो अब सिर्फ उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन क्या t टाइम के बाद। अब देखो फाइनल वेलोसिटी हमें चेक करनी है, देख लो कौन सी के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ हॉरिजॉन्टल केस चल रहा है, वर्टिकल की नहीं बात कर रही है, सिर्फ किस मोशन की बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की फाइनल हमें निकालनी है इस पॉइंट पे, इनिशियल कितनी थी हॉरिजॉन्टल, u cos अल्फा प्लस एक्सेलरेशन कितना था, हॉरिजॉन्टल तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, सिर्फ कौन सा था वर्टिकल था, वो भी रिटार्डेशन माइनस जी के, तो जीरो। तो v फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जिस भी टाइम पे देख रहे हैं हम, जिस भी पॉइंट पे देख रहे हैं, कितनी होने वाली है u cos अल्फा, तो सिर्फ इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos। मेन बात समझने की इस पॉइंट पे उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, रीजन क्या है, अगर उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होती तो वो और ऊपर जाता, क्योंकि यहां पे ऊपर जब जा रहा है आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसे मोशन कर रहा है, रीजन उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी और वर्टिकल भी। बट अभी तो क्या है, बस उसके पास इस पोजीशन पे ऊपर की वेलोसिटी तो है नहीं, क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा, वो तो आगे बढ़ रहा है बस, या नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब कहने का उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, हम सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बची इसके पास, हॉरिजॉन्टल, और एक साथ में रिटार्डेशन। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जब केस लेते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का केस ले रहे थे, हॉरिजॉन्टल कितनी थी यू कोस अल्फा, प्लस में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली तो कुछ नहीं था, सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन था हमारे पास वर्टिकल का, वो भी रिटार्डेशन माइनस जी, तो जीरो हो गया ये। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी कितनी यू कोस अल्फा, तो वो इस पॉइंट पे जो उसके पास वेलोसिटी है वो ओनली हॉरिजॉन्टल थी, यू कोस अल्फा वो थी कितना हाफ ऑफ इनिशियल, तो कोस अल्फा कितना आ गया हमारे पास 1/2, दिस इंप्लाइज अल्फा क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब अल्फा आ गया तो आप क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, वो क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय में 2 बाय में जी, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, अल्फा 60 डिग्री पुट करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा यू स्क्वायर रूट 3 बाय में 2 जी। देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट बॉल है उसको फेंका जाता है कितनी हाइट से, 6 फीट हाइट से फेंका जाता है उसको, यहां से 30 डिग्री एंगल पे 60 की स्पीड से फीट पर सेकेंड, तो फीट पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हमारा जो जी होने वाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी हमारा 32 के इक्वल, ठीक है FPS यूनिट में। तब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, एक फील्ड मैन उसको पकड़ लेगा, उसकी हाइट मान लो यहाँ कहीं है, तो उसने इतनी फीट यानी 2 फीट ऊंचाई पर पकड़ लिया, तो ये यहाँ से जो रीजन इसका मान रहे थे उससे कितने नीचे हो गया ये 4, तो इस पॉइंट पे हमें बताएं यहाँ से कितना डिस्टेंस ये चला इतने दूर है। अभी देखो जो पीछे आर्टिकल हमने किया है वो इस तरह का सर यहाँ से यहाँ तक की, तो हाइट मैक्सिमम रेंज, रेंज का हमने फॉर्मूला निकाल लिया था हॉरिजॉन्टल रेंज का, क्या आ रही थी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, वो तब था सेम हाइट से चले और सेम हाइट पे गिर जाए बेटे, तो क्या यहाँ से चला है और यहाँ तक गिरा है, मतलब अगर उस फॉर्मूले से निकालें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आएगा ओनली, ठीक है, बट हमें तो कहाँ तक आना है यहाँ तक, तो उस फॉर्मूले से तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा हमें पाथ की इक्वेशन में इस पॉइंट को रखना होगा, क्योंकि देखो पाथ तो वही है प्रोजेक्टाइल वाला ही है, तो पाथ की इक्वेशन क्या थी वाई इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड में यू स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा, अल्फा अपने पास है यू अपने पास है वाई अपने पास है, तो ये पॉइंट देखो पी कितना है एक्स माइनस फोर, तो ये होगा माइनस फोर
इक्वल्स टू एक्स, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना हो गया 1 बाय रूट 3, 1060, 10 कितना है 30, 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय 2, जी 32 हो गया, एक्स स्क्वायर हमें निकालना है x, तो u स्क्वायर कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी 60, तो 60 इंटू 60, cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा 30 पे रूट 3 बाय 2, कितना रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। ये क्या आएगी क्वाड्रेटिक, देखो पूरा सोल्व नहीं करके दिखा सकते, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इन x, वो आपको सोल्व करनी आती है। तो इसके रूट्स आएंगे, एक रूट आएगा x इक्वल टू 60 रूट 3, दूसरा कोई आता होगा आप उसे चेक कर लेंगे, वो या तो नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव ही आ रहा होगा शायद, तो ये कितना आ जाएगा 60 रूट 3, तो ये लेंथ आएगी, एक नेगेटिव आ जाएगा एक ये पॉजिटिव आ रहा होगा। अब नेगेटिव में तो पीछे की तरफ तो जा नहीं रहा, बोल वो क्या कर रहा है आगे की तरफ फेंक रहा है इस तरफ, तो ये पॉजिटिव में आना चाहिए, तो कितना आएगा 60 रूट 3, तो यहाँ से कितनी दूरी पे जाएगी ये 60 रूट 3। क्वाड्रेटिक है, आसानी से आप सोल्व कर सकते। तो अगर मान लिया कुछ ऐसा वो करे कि इतने हाइट से फेंका गया और इतने नीचे वो जाके गिरा, तो वो जो पिछला आर्टिकल हमने किया प्रोजेक्टाइल में वो सिर्फ उसके लिए था कि सेम हाइट से सेम हाइट पे गिर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल वाई डायरेक्शन में कोई हाइट उसने नहीं ली, यहीं से फेंका और इसी पे फेंक दिया गया। बट अगर वो कह रहा है इतनी हाइट से फेंक के और इतनी नीचे तक जाके वो गिर रहा है, तो उस टाइम जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था उसमें डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या होगा इक्वेशन ऑफ पाथ, क्योंकि वो तो प्रोजेक्टाइल ही है, पाथ तो वही रहने वाला है, उस पाथ में उस पॉइंट को रख देंगे जहां पे हमें क्या निकालना होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो वो क्या था x माइनस 4, डायरेक्ट पुट कर देंगे अपने पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो उसकी क्या होगी रेंज होगी, यानी यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 60 रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टी बी द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल रीचेज अ पॉइंट पी इन इट्स पाथ, मतलब यहां से लेके यहां तक जाने के लिए पी पॉइंट तक जाने के लिए उसका टाइम टी लगता है, और यहां से पी पॉइंट से यहां तक जाने के लिए उसका टाइम लगता है टी डैश। अब क्या है वो कह रहा है कि ये बताना है कि जो पी की हाइट एच होगी वो कितनी होगी हाफ जी टी टी डैश, हम एच टी और टी डैश के बीच में रिलेशन निकालना है, हम मान लेते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी, फिर और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन अल्फा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम जितना यहां से यहां तक जाने में लग रहा है, कितना लग रहा है टी प्लस टी डैश, तो यहां से u साइन अल्फा कितना आ जाएगा टी प्लस टी डैश इंटू जी डिवाइड बाय 2। अब हम क्या यूज कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर। अब ये किसके लिए यूज करना है वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए देखो ये कितना h, कितना h वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन में ये जित डिस्टेंस होता है वर्टिकल मोशन में कितना डिस्टेंस हो ये h, u इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा, यू टी की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है u sin अल्फा, तो देखो u वेलोसिटी इनिशियल ये जो है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, ये u ये नहीं है इनिशियल वेलोसिटी वाला, ये क्या है उस फॉर्मूला है हमारे पास जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था, तो u का मतलब क्या होता था इनिशियल वेलोसिटी, कौन से मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग वर्टिकल मोशन की, वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u sin अल्फा और हॉरिजॉन्टल u cos अल्फा, समझ पा रहे हैं ना, ये तो इस क्वेश्चन की इनिशियल वेलोसिटी है, बट ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें s का मतलब होता है जितना डिस्टेंस कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट उसने, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, और कौन से मोशन की बात कर रहे हैं इस मोशन के लिए हम वर्टिकल मोशन की, क्योंकि h के निकालना है, तो हमारे पास वेलोसिटी हुई कितनी इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा, तो u sin अल्फा इंटू टी हाफ एक्सेलरेशन कितना था माइनस जी, वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो कितना एक्सेलरेशन है माइनस जी, अगर यही हम हॉरिजॉन्टल की बात करते तो कोई एक्सेलरेशन नहीं जीरो, बट किसकी बात कर ले हैं वर्टिकल की, टी स्क्वायर बराबर यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी निकाली अभी जी टी प्लस टी डैश डिवाइड में 2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं जी टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस जी टी डी डैश बाय में 2 माइनस जी टी स्क्वायर बाय में 2, तो हमारे पास h जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हाफ, क्योंकि ये कैंसिल हो गया जी टी टी डैश। तो भाई इस प्रोजेक्टाइल में ना जो मेन समझने की बात ये है कि मोशन जो है प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल अलग चल रहा है हॉरिजॉन्टल अलग चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कोई नहीं है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन वो भी रिटार्डेशन माइनस जी है,
तो मेन यही समझने का, इसके बाद के तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पुट करते जाओ, क्वेश्चन निकलते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा फ्रॉम अ पॉइंट ओ, पॉइंट से फेंका गया है। After t second, its position appears to have an angulation beta. अब ये जो p point है ना t time के बाद, t second के बाद, इसका angle of elevation beta is seen from O. O से देखना है, तो भाई देखो ऐसे नहीं कि ये वाला angle ऐसे, O से देखने पे beta p का angle beta है, तो ये line ऐसे straight आएगी, तो ये angle कितना है beta, ठीक है? ध्यान से देख लेते हैं एक बार के लिए इसको, तो ये angle कितना है beta है, ये angle कितना है beta. O से देखना है P पॉइंट को, तो ऐसे सीधी लाइन आएगी, तो ये कितना बीटा। तो ये देखो हम मान लेते हैं कि ये R लेंथ है, तो R लेंथ तो ये कितना आ जाएगा ट्रायंगल से, पाइथागोरस से क्या कर सकते हैं R cos बीटा, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी R sin बीटा, ठीक है? तो ये लेंथ R cos बीटा और ये लेंथ R sin बीटा हमारे पास। अल्फा हम मान लेते हैं, अल्फा क्या मान लेते हैं एक बार देखो, अल्फा हम मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जिस पे प्रोजेक्ट किया था, ये कितना मान लिया एंगल अल्फा, ठीक है? तभी क्या है हमारे पास कि हमें एंगल जो है, मतलब फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या यूज करते हैं, वाई इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, अभी चेक करो एक बार। पहले मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूँ, कौन से मोशन की, वर्टिकल मोशन, उसमें इसको यूज करता हूं। देखो वर्टिकल मोशन में एस कितना रहे आर साइन बीटा, तो आर साइन बीटा इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल मोशन के लिए, इनिशियल यू अगर इनिशियल वेलोसिटी थी तो यू साइन अल्फा इंटू टी हाफ जी कितना था रिटार्डेशन था माइनस जी टी स्क्वायर। अब कितना ये होता है वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन में हाफ ए टी स्क्वायर। अब किसकी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया आर कोस बीटा बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू इनिशियल थी, तो हॉरिजॉन्टल में यू कोस अल्फा टाइम टी, बट हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, तो ये कितना हो गया जीरो। अब हम डिवाइड कर लेते हैं को साइन बाय कोस कितना हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास यू ये आ जाएगा। तो मेन जो था इसमें यही होता है कि वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, कहाँ से बीटा देख रहा है वो, यू क्या है, तो ये फिगर अगर आपको समझ आ जाएगा फॉर्मूले याद होंगे तो डायरेक्ट पुट करना है। मेन जो है इक्वेशंस को समझना है, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं,